सावण महीनो ए राधा आवियो उसनी आवे थारी के पास मैं तो रे कही जा हरे दासिया ईद तो कोनी माते ईद तो कोनी आते मानी दिल कार्डन और ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। रमेश भाई आज भी सुना के माने माता जी ने तो बकरिया चढ़े कोई के माने माता जी ने पहाड़िया चढ़े। सजनों आज तक मैं जाति का राग हूं, मेरा काम गाना बजाना कम है और मेरा काम बोलने का। क्यों हम राव जन्म जात कवि है, चाहे महाभारत हो भागवत हो चाहे गीता हो, मुझे सब कंठस्थ याद है, एक एक श्लोक मुझे याद है। मुझे एक भी शास्त्र बता दो जिनमें लिखियो है कि माता जी ने बकरियां छटे ना माता जी ने पहाड़िया छटे, एक भी शास्त्र बता दो। तो देवताओं के साथ में क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? क्योंकि निर्जीव देव, देव निर्जीव है, निर्जीव देव सरजीव बकरा प्रभु के आगे काटा और मांस मांस तो खुद ने खाया, प्रभु को कलंक लगाया, भजन बिना कैसे तिरियो रे अनारी दुनिया, ऐसे शास्त्रों में नहीं चलेगा। अरे झटके उठाओ नादा पे, बिल्कुल सत्य बात है। सभी कहते हैं ऐसा कि माता जी को बकरे चढ़ते हैं, दारू चढ़ते हैं, बाकी मैं कह रहा हूँ गुजू भाई स्थापना तभी हुई थी जब आप आए थे, तालिब रफीक भाई साथ में थे रिदम पे, यहाँ बैठ के जागरण किया था, हाँ नीचे ही था स्टेज नहीं था, कम से कम 2006 की बात है तब आप आए थे और आज दोबारा माँ ने आपको बुलाया। और आज तक लोगों का ऐसा मानना है कि माता जी के बकरे चढ़ते हैं, दारू चढ़ते हैं, मगर संतों ने कहा कि अपनी इच्छा मांस खाने की, अपनी इच्छा मांस खाने की लेवे देवोरा ओटा, अरे बाटारा भैरूजी थरपे ने लेवे बकरोरा घोटा, साधु भाई मांस भके नर खोटा, अरे प्रत्येक जीव ने मार के खावे देखो अकलरा टोटा, अपनी इच्छा मांस खावनी लेवे देवारा ओटा। तो संतों ने ये बात तो प्रत्यक्ष कहा है और शास्त्रों में भी ये लिखी हुई है, साधु भाई दारू बड़ो दुखदाई, पड़े पेट में उल्टी सूजन अकल ठाणा सू जाई, साधु भाई दारू बड़ो दुखदाई। तो संतों ने तो बहुत कुछ कहा है और मैं आप तो इस चीज को जानते ही है। अरे बारे ले पर समरो आयो अरो नहीं करी खिड़की खोलो नी बादल में खोलो बजरी की बार ये वो नी दादा जी बाला दूध मोदी जो सनातन धर्म में उतार हुए 24
कितने 24 मीन वरा कमट नर हरिबली बावन परशुराम रघुवीर कृष्ण बुद्ध निकलंकी व्यास प्रतु हरियंश मनवंतर यज्ञ ऋषि अग्रीव ध्रुव देव धनवंतर बद्री पदत कपिल देव ये 24 अवतार हमारे सनातन धर्म में हुए जिसमें सबसे बड़ा कोई अवतार हुआ तो 16 ले कला लेकर वह महायोगी राज कृष्ण भगवान का ही अवतार हुआ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्रामीण भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य दात्मनं संयम्यं धीरजो हरे नैना रे थकारे कमरी नानजी नैना रे थकारे कमरी नानजी आता आलोड़े धनी पार माखन ने मिश्री राखे वाखाड़ देते छछवारिया रोना नहीं तो दिन जाए समरा मूली खूब जाने कियो है खूब जा वो दिन क्यों नहीं चितारे राजा कंस रे द्वारे रेवती करती गोबण गारो अरे खूब जा वो दिन क्यों ना चितारो हमें लूका सूका टुकड़ा मिलता अरे हो तो थारो पेट गुजारो अरे खूब जा हमें वो दिन क्यों ना चितारो वे दिन भूलगा प्रभु नैना थका कबर कान जी आता मारोड़े दरबार और मैं माखन मिश्री रा मेवा घाड़ती लेती छछवारिया रो नाम वे तो दिन डा समरा भूल गा वे दिन कर लो नी याद मेरो भगवो राधा नार रो नारी जी के कृष्ण भगवान थे ये भैया कृष्ण भगवान के नार दिया इन्हें लटूड़ी गटूड़ी मां के मां रात गाने कई जाए मारी बात सुन अरे ते मेरे थकीरे रानी नाती रे थकी रे रानी दासी करती गुजरिया राखे करती गुजरिया राखे लांबी ने ललकारिया ये लामारी कोई मारो दैड़ो बेचा नहीं तो दिन डारे समरा दवाई बार बीबी भाई के लिए ताली बजाओ बाकी कलाकार कमीज निकले आउटगोइंग रो सर्किट के तो फकीर रे नहीं बन के कलाकार रे नहीं बन इनकमिंग रे आउटगोइंग है के तो फकीर मक्तो और के कलाकार मक्तो माइलो मक्तो हो कलाकार अरे वे बस एक पंक्ति और सुनाऊंगा काफी कलाकार लोग हैं आनी वे ग्रावड़ो एक लोग बाजू लेट बैठ दो अरे कमरी होती तो बिकल पूज मन राजा अरे लागो हतले बारो पाप भरत मिले अरे किनरे धारणी जोगी भया मन राजा ए किनरे धारणी भगवानिया आरती
यार की। बोलिए बाबा रामदेव जी महाराज की। बाबा हो बेचारे
नवरे खटो में बाबा